हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जो है वो जारी हो रहे हैं। बिजनौर से जो है वो विज्ञापन जारी हुआ है, जहां टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर वैकेंसी आई है। बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एग्जाम की आपको तैयारी नहीं करनी है, ना ही कोई इंटरव्यू के लिए जो आपके मन में जो है वो डर रहेगा कि क्या इंटरव्यू में पूछा जाएगा। यहाँ जो है वो आप केवल डायरेक्ट जो है वो एप्लीकेशन करेंगे बाय पोस्ट, और उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड आप लोगों को किया जाएगा, और जैसे ही जो है वो आपका नंबर आ जाता है आप लोगों को बुला लेंगे। उम्र जो है वो 25 से 45 साल यहाँ रहेगी। तो चलिए फटाफट से जो है हम देख लेते हैं कि पूरी विज्ञप्ति में कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो पूर्णकालिक शिक्षा, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, और इसके बाद जो है वो अंशकालिक शिक्षिका, कला क्राफ्ट संगीत, अंशकालिक शिक्षिका, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर, उर्दू विषय। ठीक है, उर्दू विषय के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर जो है इन्होंने क्या डिमांड की है, तो यहाँ पर मैथ के लिए BSc NCT से मान्यता प्राप्त BEd, ठीक है, BEd आपका मांगा गया है, और या उसके समकक्ष LT डिग्री। उच्च प्राथमिक स्तर की जो है टेट एग्जाम पास होना चाहिए, और अंग्रेजी विषय के लिए भी वही है कि ग्रेजुएशन, BEd और टेट। सामाजिक विषय में यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख लें, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय के साथ स्नातक और साथ में BEd और टेट एग्जाम पास होना चाहिए। इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब के लिए भी है, यहाँ पर शिक्षिकाओं की भर्ती की जाएगी, संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, NCT से मान्यता प्राप्त BEd, और इसके अलावा LT परीक्षा उत्तीर्ण। एक बात यहाँ पर देखिए, अंशकालिक शिक्षिका के लिए यहाँ पर इन्होंने टेट जो है नहीं मांगा है, यहाँ केवल जो है वो आपकी ग्रेजुएशन की उपाधि होनी चाहिए आपके पास और BEd होना चाहिए। इसके अलावा जो है फिजिकल एजुकेशन की जो है यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, BPEd चाहिए, CPEd या DPEd यदि आपके पास उपाधि है, कोई जो है वो आपका टेट यहाँ पर भी नहीं मांगा गया है। कंप्यूटर के लिए यहाँ अंशकालिक शिक्षिका के पदों पर यहाँ ग्रेजुएशन साथ में आपका BEd या फिर PGDCA या BCA या BSc कंप्यूटर साइंस से, या स्नातक सहित डॉएक या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल का डिप्लोमा मांगा गया है। उर्दू विषय जो है यहाँ पर, उर्दू विषय जो है वो आपकी ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा हो, साथ में आपने BEd किया हो, तो आप जो है यहाँ एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा अगर हम नॉन टीचिंग पदों की बात करें, तो लेखाकार, सहायक रसोईया और चौकीदार सभी महिलाएं यहाँ पर रहने वाली हैं, और ये सब जो है वो सैलरी है। सैलरी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है पूर्णकालिक शिक्षिका की तो 22,000 ही रहती है, अंशकालिक शिक्षिका की 9,800 रहती है। उर्दू विषय जो है इसके लिए देखिए कितनी अच्छी सैलरी है, 13,200 है। यदि आपने उर्दू विषय से स्नातक किया है, BEd किया है, आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि आपका नंबर जो है वो फटाफट से आ जाएगा। बहुत ही कम बच्चे उर्दू विषय से जो है यहाँ पर स्नातक करते हैं। लेखाकार जो है उसमें भी सैलरी काफी अच्छी है, 11,000 है। सहायक रसोईया की 5,175 है, और चौकीदार की 5,750 है। तो चौकीदार जो है यह भी महिला ही यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ लिखा है रिक्तियों की संख्या जो है वो घट बढ़ सकती है, कि यहाँ पर टोटल जो है वो 24 वैकेंसी है इस जिले के अंदर। तो ये वैकेंसी जो है जिस जिले से आई है वो मैंने थंबनेल पर लिख दिया था, बिजनौर जिले से आई है, और बिजनौर जिले के लिए हम जो है बिल्कुल इसकी साइट पर चलते हैं, गूगल पर सर्च करेंगे बिजनौर, और जैसे ही हमने बिजनौर जो है वह किया, उसके बाद हमें जाना है बिजनौर की साइट पर। तो देखिए यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में जो है संविदा के आधार पर चयन हेतु विज्ञप्ति और आवेदन पत्र का प्रारूप। ऐसे नहीं सोचना है संविदा के आधार पर ही है, क्योंकि आपके वर्क को देखते हुए ये लोग आपको परमानेंट भी यहाँ कर देते हैं। तो ऐसी जो जॉब होती हैं इन पर आप बिल्कुल नजर रखें, यहाँ पर जो है बिल्कुल आप लोगों को जाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। आवासीय विद्यालय है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, जहाँ ना कोई एग्जाम है, ना कोई इंटरव्यू है, ना ही किसी प्रकार का जो है वो कोई भी फीस आप लोगों से ली जा रही है। केवल एप्लीकेशन फॉर्म आपको जमा कराना है, ठीक है, और बाय पोस्ट होगा। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो टाइटल है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में संविदा के आधार पर चयन हेतु विज्ञप्ति और आवेदन पत्र का प्रारूप। तो इसी में आपको विज्ञप्ति मिलेगी, पूरी डिटेल पढ़नी है आपको। आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको जो है वो एंड में मिलेगा। स्टार्टिंग जो डेट है यानी 10 को जो है ये विज्ञापन जारी हुआ है, और एंड जो रहेगा 23/7/2023, 23 जुलाई तक आपका चलने वाला है, ठीक है। समय से पहले ही जो है वो भेज दें, क्योंकि कई बार क्या होता है समय से पहले नहीं पहुंच पाता है। वैसे 3 दिन में जो है वो हर जगह जो है स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट जो है वो पहुंच जाती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि जब लक हमारा साथ नहीं देता है, तो वही चीज जो है वो 4थे दिन पहुंचती है और डेट निकल जाती है।
तो ऐसा नहीं करना है, समय पर जो है आपके पास अभी समय है, 10 से जो है स्टार्ट हो चुके हैं, 23 एंड डेट रहेगी, तो समय से पहले जो है वो आप लोग इसको भर दें और भेज दें। ऐसी वैकेंसी जो है वो आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगी। कई बार जो है वो बच्चों को वैकेंसी का पता ही नहीं चलता है, डेट निकल जाती है और बाद में जो है जब रिजल्ट आते हैं, जब उनको ये महसूस होता है कि ये वैकेंसी पता नहीं कब निकल गई। तो जितनी भी वैकेंसी होंगी टीचिंग से जुड़ी या नॉन टीचिंग से जुड़ी, वो सभी मैं वीडियोस जो है वो लेकर आऊंगी, ताकि आप लोगों को पता लग सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हाँ यहाँ पर जो वैकेंसी आई है और हमें अप्लाई करना है। थैंक यू।